हाय फ्रेंड्स, ताक्षु के रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं हूँ बबीता और आज हम बनाने वाली है ब्रोकली के कटलेट। एकदम अलग तरीके से और एकदम नए तरीके से बनाने वाले हैं, तो कोई वीडियो के एंड तक आप बने रहिए। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ एक ब्रोकली ले ली है। इसको हम पहले इसका डंठन है उसको काट लेंगे। उसको काट के हम साइड में रख देंगे। और ब्रोकली है इसको हमको जो है ऊपर वाला जो है ये पार्ट हमको कट करना है, तो इस तरीके से हम इसको कट कर लेंगे। और इसका जो डंठन है उसको बारीक कट करके डालें, या अगर नहीं डालना है तो हटा दीजिए। और इसके बाद इसमें मैं डालती हूँ गर्म पानी, उबला हुआ पानी डालना है हमको। इसको ढक के मैं 10 मिनट के लिए रख दूँगी। 10 मिनट के बाद देखते हैं, इसको हम पानी में से निकाल लेंगे। एक कपड़ा डाल दूँगी मैं, कपड़े में इसको निकाल दूँगी तो पूरा पानी एकदम अच्छे से निकल जाएगा हमारा इसका। देखिए इस तरीके से मैं निचोड़ के पूरा निकाल ली हूँ और इसको बाउल में डाल दी हूँ। उसके बाद 2 चम्मच मैंने ले लिए गाजर बारीक कटे हुए, शिमला मिर्च बारीक कटी हुई 2-2 चम्मच ली हूँ। उसके बाद देखिए आलू ली हूँ उबला हुआ, उसको हम ग्राइंड कर लेंगे इसमें इस तरीके से। अब से हाथ से तोड़ के ना डालें, इसी तरीके से करिए। इसके बाद थोड़ा सा पनीर भी डाल देंगे, 50 ग्राम है पनीर। एक आलू डाले हैं, 50 ग्राम पनीर। और यहाँ 2 हरी मिर्च डाली हूँ मैं। उसके बाद थोड़ी सी हम हरी धनिया डाल देंगे। इसको मैं इस तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस समय हमको अभी पानी, इसमें नमक नहीं डालना है। ढक के हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए हैं। 10 मिनट के बाद हम इसमें डालने वाले कॉर्नफ्लोर, मैं 2-3 चम्मच इसमें कॉर्नफ्लोर डालूँगी। इसके बाद इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। हमको पहले से नमक नहीं डालना है, अभी नमक डालना है हमको। अब डालेंगे काली मिर्च। नमक पहले से डाल के रखोगे तो पानी उसमें पानी आ जाता है, इसीलिए टाइम पे ही नमक डाल रहे हैं। काली मिर्च थोड़ी डाल दी, थोड़ा सा डाल रही हूँ फूड कलर। अगर आप नहीं डालना चाहते तो ना डालिए। इसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। हाथ से मिला लूँगी मैं अभी एकदम। देखो इसकी बाइंडिंग एकदम अच्छे से बन रही है, अभी आप देख सकते हैं। और मैं ओवल शेप में बना रही हूँ, आप गोल में, आपको जिस स्क्वायर में जिस टाइप के बनाने हैं उस टाइप के बना लीजिए। मैं यहाँ ओवल में बनाई हूँ। इस तरीके से मैंने सब बना लिए हैं। इसके बाद मैंने कढ़ाई में पानी रख देना है। पहले 2-3 ग्लास में इसमें पानी रख दूँगी उबालने के लिए। इसके बाद हम 1 कटोरी में कॉर्नफ्लोर लेंगे 2 चम्मच, और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी, 2-3 चम्मच ही पानी डालेंगे, एकदम ज़्यादा नहीं डालेंगे। और इसको हम चम्मच से घोल लेंगे। पानी एकदम से हमको पहले नहीं डाल देना है, घोल एकदम पतला हो जाएगा, नहीं तो अगर आपको ज़रूरत लगती है तभी डालिए ऊपर से। यहाँ देखिए हमारा पानी एकदम उबल गया है अच्छे से। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ चाउमीन, 2 स्लाइस डाल दे रही हूँ चाउमीन के, 2 इसमें हो जाएगा अच्छे से। इसको हमको एकदम कम उबालना है, मतलब एक उबाल आ जाए ना अच्छे से तो हम इसको निकाल लेंगे। हमको इसको ज़्यादा नहीं उबालना है, अगर ज़्यादा उबालोगे ना पूरा टूट जाएगा, इसलिए हमको एकदम कम उबालना है। देखिए घोल हमारा एकदम अच्छे से बन गया है। और इसके बाद हम इसको इसमें डालेंगे घोल में, एक एक कटलेट को, और इसको कटलेट को एक एक करके निकाल लेंगे। इसी तरीके से जितने भी कटलेट हैं सबको हम घोल में डाल के निकाल लेंगे। इससे क्या होगा, नूडल्स की हम कोटिंग करने वाले ऊपर से, तो नूडल्स की कोटिंग एकदम अच्छे से होगी। तो इसके लिए हम इसमें पहले डालेंगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर डाल के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे नूडल्स को, तो इससे एकदम क्रिस्पी बन जाएगा। इसके बाद मैं एक एक 2-2 नूडल्स लेके इसको लपेटूंगी। आप एक एक लपेटने में अगर टाइम लगता है तो एक साथ 2-3 लंबे वाले ले लीजिए और उसको लपेट लीजिए। एकदम जल्दी जल्दी हो जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको लपेटने में। एक एक लपेटे तो टाइम लगता है, 2-3 लोगे तो जल्दी जल्दी हो जाता है वैसे तो। और अगर गोल साइज में करना चाहते हो तो ऐसे ही लेके दबा लोगे तभी भी हो जाएगा, लेकिन मैं थोड़ा ओवल में की हूँ इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। देखिए हमने किस तरीके से इसको लपेट लिया है। लपेटने में परेशानी नहीं जाती है, बस वो जो निकलते हैं साइड वाले उसको हमको चिपका लेना है। देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया और चिपका भी लिया है। तो इसी तरीके से सब कटलेट्स को मैं नूडल्स ऐसे लपेट ली हूँ। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ मैंने तेल रख दिया है, हमको एकदम
गरम भी नहीं चाहिए और एकदम मीडियम भी नहीं, मतलब एकदम गरम भी नहीं एकदम ठंडा भी नहीं, मीडियम हमको तेल चाहिए। अब मैं इसमें तीन डाल दी हूँ पहले, एकदम से ना डालिए आप, थोड़ा एक एक दो दो करके ही पहले चेक करिए, उसके बाद ही डालिए। तो कभी कभी कटलेट पूरे फूट जाते हैं तेल में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, एकदम अच्छे से क्रिस्पी वाले कटलेट हमारे बन के रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हैं मैंने तेल में से निकाल लिए हैं तीन कटलेट, देखिए कितने बढ़िया लग रहे। इस स्टार्टर में अगर कोई भी छोटा सा फंक्शन है आपके घर में, स्टार्टर में आप इसको बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरीका है बनाने का स्टार्टर में, और बहुत लोग पसंद भी करेंगे, कुछ नया है थोड़ा और अच्छा भी लगेगा। तो देखिए बन के हमारा रेडी है, तो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। एकदम इजी रेसिपी है, तो आप ज़रूर ट्राई करिए, और ट्राई करने के बाद कमेंट करके बताइए कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो और आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगता है तो आप शेयर करना ना भूलिए, आप ज़रूर आगे शेयर करिए वीडियो को, और आपके लिए ऐसे ही मैं वीडियो लाते रहूँगी। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।